दोस्तों, मैं आज वंडर शेफ का कॉफी मशीन के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। वंडर शेफ का ये है ऑटोमेटिक कॉफी मशीन, और इसके अंदर हम एस्प्रेसो शॉट रेडी कर सकते हैं, करेंगे। कैपेचिनो कॉफी बनेगा इसके अंदर, आप लाटे कॉफी बना सकते हैं इसमें। मिनिमम आप एक शॉट रेडी कर सकते हैं एस्प्रेसो के लिए, और दो शॉट भी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि स्क्रीन के बारे में, स्क्रीन में एलईडी लाइट आता है, जब हम इसका डेमोस्ट्रेशन लाइव करेंगे उस टाइम आपको ऑन करके भी हम दिखाएंगे। अब हम आएंगे इसके मशीन के पोर्टा फिल्टर के बारे में। पोर्टा फिल्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने पोर्टा फिल्टर दिया है, वो एकदम डाईकास्ट का एलॉय मेटल में पोर्टा फिल्टर दिया हुआ है। इसके साथ में दो स्टैनर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कि टू शॉट का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, वो फिल्टर वो स्टैनर है ये। और अब हम दिखा रहे हैं आपको ये 1 कप के लिए हम अगर कॉफी रेडी करेंगे तो ये हमें स्टैनर यूज करना रहेगा, जो कि 1 कप के लिए है। और दूसरा हम यहाँ पर बता रहे थे आपको 2 कप का कॉफी रेडी करना रहेगा, तो हमें यहाँ पर 2 शॉट का ऑप्शन दिया, यानी 2 कप का ऑप्शन दिया हुआ है, हम इसको रेडी करेंगे। 1 कप के लिए रहेगा, इसमें हम प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है ये 1 कप का शॉट रहेगा, तो इसको हम ऐड करेंगे। और जब हम इसको ऐड कर लेंगे, इसमें हमें ये मेजरमेंट स्पून दिया हुआ है इन्होंने, मेजरमेंट स्पून से हमें 1 कप कॉफी रेडी करना, तो हमें ये मेजरमेंट करके फुल करना है इसको प्लेन, और हमें इसमें डाल देना है। उसके बाद हमें इसको प्रेस भी करना रहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके थ्रू हमने एक डेमोस्ट्रेशन प्रोवाइड किया हुआ है और कराएंगे आपके लिए, वो अच्छा रहेगा और अच्छा होगा। ये है इसका वाटर टैंक। वाटर टैंक की अगर हम बात करेंगे, डिटेचेबल पार्ट है, आपको रिक्वायरमेंट होता है कि आपको वॉश करना है तो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, इजी टू यूज होता है। और ये बीपीए फ्री प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जो कि अनब्रेकेबल भी होता है। सेकेंडरी यहाँ पर हम देखेंगे मिनिमम साइन दिया हुआ वाटर के लिए, एंड मैक्सिमम साइन भी इन्होंने दिया हुआ है, मैक्सिमम साइन वाटर फिल करने के लिए। अगर हम 1 कप कॉफी बनाते हैं तो कम से कम मिनिमम साइन हमें वाटर का लेवल यहाँ तक होना ही चाहिए। मेरे मैक्सिमम चाहे तो कितना भी रख सकते हैं, मैक्सिमम बाकी यहाँ तक रखना होगा। ये हमारा यहाँ पर इसका वाटर टैंक का मैनेजमेंट है। ये है इसका मिल्क कंटेनर। मिल्क कंटेनर को हम निकालने के लिए इसको थोड़ा सा अप साइड में अप करेंगे, ऐसे अनलॉक होगा, और फिर हम इसको आगे करके पुश करेंगे तो ये डिटैच हो जाएगा। इसको हम देखेंगे, यहाँ पर भी इन्होंने सारी चीज़ें मैनेजमेंट मिक्स करी हुई है। मिनिमम ML हमें 100 ml मिल्क इसमें फिल करना रहेगा, 200, 300 एंड 400 एंड 500 ml तक मैक्सिमम क्वान्टिटी है इसके अंदर, आप फिल कर सकते हैं। इसे भी आप, इन्होंने बीपीए फ्री बनाया हुआ है, और ये डिटैचेबल पार्ट है, इसको भी निकाल के आप चाहें तो इजी क्लीन कर सकते हैं, काफ़ी इजी हो जाता है। इसके साथ में ये स्टीमिंग पाइप दिया हुआ है, ये मिल्क सक करने के लिए पाइप दिया हुआ है, जो कि सिलिकॉन का है, और ये स्टेनलेस स्टील है, हीटिंग होता है, तो हमें ध्यान देना है कभी भी हमें गलती से भी इसको स्टीम होने के बाद ग्रिप नहीं करना, लाइक पकड़ना नहीं है इसको। अब हम इसमें आपको दिखाएंगे कि इसको फिल, इसको सेट कैसे करना पड़ता है। मिल्क टैंक को सेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपको पहली बार लगे, बट मैं इजी बताऊंगा कैसे करना है। डायरेक्टली आपको करना क्या है, इस पिन, जो ये पिन दिया हुआ है, ये वाला मार्क है, ये इसके अंदर आएगा, और जो ये वाला जो पंप दिया है, ये वाला पाइप इसके अंदर आता है। इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर इन दोनों ग्रिप्स के बीच में पाइप को ऐड करना है, ऑटोमेटिकली ये वो कंडीशन सेट कर लेगा और ये लॉक हो जाएगा। अब ये लॉक हो जाएगा तो हमें ये जो स्टीमिंग पाइप है उसको अगर फ्रंट साइड में करना है, लाइक कैप कप के अंदर करना है, तो हमें इसको थोड़ा सा अप कर देना है। यहाँ से हम दिखाएंगे आपको मिल्क फॉथिंग के बारे में। अगर हम इसी फीचर, ये नॉब दिया हुआ है, इसको अगर हम ऐसे लॉक करके रखेंगे तो कोई क्या रहेगा, मिल्क बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट हम इसको थोड़ा सा आगे करके रखेंगे तो मिल्क आएगा, बट कम आएगा, और फॉथिंग भी कम आएगा। हमें इसको मीडियम में करके रखना है, इससे हमारा जो कैपेचिनो जब हम बनाएंगे तो उसके लिए प्रॉपरली मिल्क जो है जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना आएगा, और फॉर्म भी अच्छा करके आ जाएगा। अब हम मशीन को ऑन करेंगे। मशीन को ऑन करते ही हम देखेंगे हमारे जो एलईडी पैनल है उसमें लाइट आ जाएगा। उसमें लाइट आएगा तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एस्प्रेसो शॉट लेना होता है, तो हम यहाँ पर टच करेंगे 1 कप में तो 1 शॉट रेडी होगा। सेकंड वाले पर टच करेंगे तो 2 शॉट एस्प्रेसो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कैपेचिनो 1 एंड 2 ऑप्शन बताया था मैंने, यहाँ पर फॉर्मिंग हल्की हल्की आ रही है आप देखेंगे कैपेचिनो वाले में, तो हम 1 पे टच करेंगे 1 कप से कैपेचिनो रेडी होगा। 2 पे टच करेंगे तो हमारा ये वाला जो साइन है वो 2 कप कॉफी कैपेचिनो रेडी कर देगा। उसके बाद हम देख रहे हैं लाटे कॉफी के लिए, तो इसमें क्या है, कप का साइज हमने थोड़ा बड़ा रखा हुआ है, इन्होंने साइन दिया है जिसमें हैंडल्स दिया हुआ, लाइक इसमें कॉफी जो है मिल्क क्वांटिटी और फॉर्मिंग ज्यादा रहती है, तो यहाँ पर उन्होंने वो ऑप्शन दिया है। ऐसे हम यहाँ से कॉफी रेडी कर सकते हैं।